लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नालंदा इकाई द्वारा रामचंद्रपुर लोजपा कार्यालय पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह द्वारा लगातार पार्टी के विरोध में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने पार्टी की नीति और सिद्धांत के विरोध में काम किया, जिसके कारण लोजपा ने पूर्व में ही पार्टी से केशव सिंह को निष्कासित कर दिया था। बावजूद इसके भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोजपा जदयू में विलीन होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केशव सिंह अब न घर के रहे और न ही घाट के, किसी भी पार्टी में जाने के लिए केशव सिंह पूरी तरह स्वतंत्र है। पार्टी नीति और निहत और सिद्धांत पर चलते हमारे पूजनीय रामविलास पासवान ने पहले भी कहते थे कि कार्यकर्ता को मैं मान सम्मान देता हूँ और कार्यकर्ता के दुख के घड़ी में मैं खड़ा रहता हूँ। किस पार्टी में जाने की बात हो रही है? बता रहे हैं कि हम जदयू में जा रहे हैं, तो भाई उनका वेलकम है। आप जहाँ जाइए, हमारे पार्टी में आपके लिए अब जगह नहीं है। हमारे पार्टी तो पूर्व में आपको एक महीना पहले ही निकाल दिया है, तो मेरा पार्टी में आपके लिए तो जगह नहीं। आपके हमारे कार्यकर्ता के साथ आपको बैठने का उठने का, लोक जनशक्ति पार्टी एक महीना पहले भी केशव सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो आप कहाँ जाइएगा? ना आप घर के हैं ना घाट के हैं, तो भ्रमित फैला रहे हैं, तो भाई लोजपा क्यों नाम ले रहे हैं? आप जाइए स्वतंत्र होके, आपको कोई रोका है? इसी क्रम में लोजपा प्रवक्ता रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि केशव सिंह ने लोजपा में रहकर गद्दारी करने का काम किया है। केशव सिंह जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को पूरी तरह चौपट कर देंगे। वो पार्टी से उनको पहले ही निष्कासित कर चुके हैं। वो लोक जनशक्ति पार्टी में रह करके गद्दारी करने का काम किए हैं, और वो जहाँ भी जाएंगे मौका प्रस्त आदमी है। उन्हें चाहिए था बिहार विधानसभा में सिंबल पर लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनमें कोई योग्यता नहीं रहने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि इनको चुनाव के मैदान में हम नहीं उतारेंगे। नहीं उतारेंगे तो नाराज हैं, और नाराज हैं तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। वैसे नेता जहाँ भी जाएंगे, जिस दल में भी जाएंगे, उसको क्षति करने का काम करें। साथ ही उन्होंने जदयू में तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा किया जो लोजपा के गद्दार नेताओं को अपनी शरण में लेने का काम कर रहे हैं। जदयू के उन तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी को जो गद्दार नेता है उनको अपने शरण में ले। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में केशव सिंह को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था, जिस कारण से वो नाराज चल रहे थे।